नमस्कार, मैं हिमलता गुप्ता, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय मुकंदपुर, ब्लॉक लोधा, जनपद अलीगढ़ से हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष ऑनलाइन नव टैलेंट शो में अपनी एक कहानी प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसका नाम है लालच बुरी बला। मेरा नाम है चीकू। आज मैं आप सबको एक कहानी बताऊंगा। इस कहानी का नाम है लालच बुरी बला। इसमें है दो किरदार, एक है हरिया मजदूर। मैं हूँ हरिया मजदूर, काम करने को मैं हूँ मजबूर। और दूसरा किरदार है राजा चंद्रदेव। मैं हूँ चंद्रदेव महाराज, अपना तो है अलग अंदाज। इसके आगे की कथा आपको सुनाएंगी मैडम हेमलता। तो दर्शकों, जैसे कि चीकू ने आपको बताया, ये कहानी है बहुत पुरानी। एक था राज्य चंद्रनगर, जहाँ के राजा थे चंद्रदेव। वहाँ एक मजदूर रहता था, गरीब, बहुत गरीब था। वो रोजीना खेतों में काम करके अपना गुजारा करता था। एक दिन ऐसे ही वह भरी दोपहरी खेतों में काम कर रहा था। खट 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 टन। जब वह खुदाई कर रहा था तो उसका फावड़ा अचानक किसी चीज से टकराता है। हरिया सोचता है, जरूर यहाँ कोई खजाना दबा हुआ है, मैं जल्दी जल्दी खोदता हूँ। खट 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 खट। तो क्या देखता है, वहाँ निकलता है एक बहुत बड़ा पतीला। लेकिन ये क्या, वो तो खाली है। मजदूर बहुत निराश हो जाता है और गुस्से में आकर अपना फावड़ा उसमें डालकर और कहीं सो जाता है। लेकिन जब वो सोकर उठता है तो क्या देखता है, उसका पतीला तो फावड़ों से भरा हुआ है। अरे ये क्या, ये इतने सारे फावड़े। वो गिनना शुरू करता है, एक दो तीन चार, ये तो 100 फावड़े थे, पूरे 100 फावड़े। हरिया समझ जाता है, यह कोई ऐसा वैसा पतीला नहीं है, यह जादुई पतीला है। इसमें एक चीज डालो तो वो 100 हो जाती हैं। हरिया बड़ा खुश हो जाता है। वह उस पतीले को लेकर घर आता है, उसमें अपनी सारी संपत्ति, जो भी चीज थी उसके पास, सब डाल देता है। वो क्या हो जाती है, 100 गुनी हो जाती हैं। फिर से डालता है, फिर 100 गुनी, फिर से डालता है, फिर 100 गुनी। उन सबको बेच कर वो बहुत अमीर हो जाता है। उसके पास खूब गाड़ी, बंगला, महल, दुमेले बन जाते हैं। इस बात की खबर वहाँ के राजा चंद्रदेव को लगती है तो वो उसके पास आते हैं और बोलते हैं, हरिया, वो हरिया कहाँ है, बाहर निकल। जी महाराज की जय हो। कहाँ है वो पतीला, वो पतीला हमें दे, वो हमारे राज्य की संपत्ति है। महाराज वो तो मेरे खेतों में मिला है। और वो पतीला लेकर अपने चले आते हैं राजमहल में। और वहां जाकर क्या करते हैं राजा, सारी संपत्ति उसमें डालते हैं अपनी, वो 200 गुना। फिर उसके बाद बहुत सा धन डालते हैं, वो 100 गुना। सबने बर्तन, हीरे, जवाहरात सब डालते हैं, सब 100 गुना हो जाते हैं। लेकिन राजा बड़ा लालची था, उसने सोचा, इसमें ऐसा क्या है जो कि सब चीजें 100 गुना हो रही हैं, मैं इसे देखता हूँ। वो उसकी जांच पड़ताल करते हैं, फिर वो उसके तले में घुसकर देखते हैं कि इसमें क्या है। लेकिन क्या होता है, फिर राजा कितने हो गए, 100। सब राजा बाहर निकल आते हैं, सब एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं, मैं यहाँ का राजा नहीं, मैं यहाँ का राजा नहीं, मैं यहाँ का राजा, सब एक दूसरे को मार देते हैं। तो इससे पता है हमें क्या शिक्षा मिलती है, कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, लालच करना बुरी बला है। देखो कभी न लालच करना, ना कभी तुम लालच करना, मेहनत से तुम करो पढ़ाई, तभी मिलेगी तुम्हें मिठाई। धन्यवाद।